हेलो स्टूडेंट्स, क्या ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। हमें सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है कॉमर्स स्ट्रीम से 55% से किया है, और यदि हम अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम से तो हमें 60% से ग्रेजुएशन करना होता है। यदि इतना परसेंटेज से हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए बिना ही डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ग्रेजुएशन होते ही हमें आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ओसी और आईटीटी की ट्रेनिंग्स करनी होगी। दो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। पहले ये दो ट्रेनिंग करनी होगी आईटीटी और ओसी, उसके बाद में दोनों ट्रेनिंग होने के बाद में 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो एग्जाम लगेगा सीए इंटरमीडिएट का वो हम दे सकते हैं। ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम इसको कहा जाता है। डायरेक्ट एंट्री स्कीम में हमें सीए फाउंडेशन दिए बिना ही सीए इंटर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुरानी स्कीम में ये ट्रेनिंग्स तीनों करनी होती थी, अब जो डायरेक्ट एंट्री की नई स्कीम आई है उसमें हमें ये तीनों ट्रेनिंग नहीं करनी है, आईटीटी भी नहीं करनी, ओसी भी नहीं करनी, 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी नहीं करनी है। जैसे ही हम ग्रेजुएशन करते हैं आईसीआई में सीधा सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के 8 मंथ्स के बाद जो एग्जाम होगा वो डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो अब डायरेक्ट एंट्री को नई स्कीम में और आसान कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन नहीं करके ग्रेजुएशन करके सीए को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान कर दिया गया है। तो डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं और सीए कर सकते हैं, अब पहले से बहुत ईजी हो गया है। ओके, ऑल द बेस्ट।